हेलो पीपल, ये है नागालैंड का फेवरेट पोर्क मीट विद ड्राई बैम्बू शूट। तो गाइस, सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है अलचानक सपोई और आज है मेरे भाई का बर्थडे और हमारा कुछ प्लान नहीं था सेलिब्रेशन करने का, बट छोटा मोटा बहुत सेलिब्रेशन तो चलता है ना गाइस। तो मैंने यहाँ पे छोटा मोटा कुछ खाने के लिए मतलब बनाया है उसके दोस्त के लिए, तो आप इंजॉय करिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, सबसे पहले मैं बनाऊंगी पोर्क मीट। हम सब नागा का फेवरेट, बच्चा हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या अंकल हो या आंटी, सबका है ये फेवरेट पोर्क मीट। उसके साथ मैं बनाऊंगी, मतलब उसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई बैम्बू शूट, गार्लिक, टमाटो, लेमन जूस। बहुत सिंपल रेसिपी है जो सब नागा के घर में ये मतलब ऐसे ही बॉयल की तरह ही बनाया जाता है। फर्स्ट थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे और चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, टमाटर ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से जितना हो सके पानी ग्रेवी के हिसाब से। हम लोग को थोड़ा कम ग्रेवी पसंद है तो कम ग्रेवी रखेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे। एक्चुअली मुझे गार्लिक पहले ही डालना अच्छा लगता है क्योंकि उसका पूरा फ्लेवर मीट के अंदर जाता है। तो गाइस, मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा बैम्बू शूट को कोई सा भी पैन हो या तवा वहाँ पर थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि जो बैम्बू शूट का क्या बोलते हैं अरोमा या फिर जो उसकी खुशबू होती है ना, वो मीट के अंदर अच्छे से जाने के लिए। तो मैं उसे थोड़ा रोस्ट करके धरती हूँ तो पूरा घर जो है ना बैम्बू शूट का खुशबू से भर जाता है। So guys, before we continue our today's video, I just want to give you a quick update. For some few days, my skin was not in a good condition. But some of my friends, जिसने मुझे एक application के बारे में बताया, because for few days I'm using that product, or and I can sure tell you कि मेरे स्किन में पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। सो द एप्लीकेशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस क्योर स्किन। यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन क्योर स्किन। स्किन में जो जो भी फेसिंग आप फेस कर रहे हो, अभी जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप वहाँ पे उस एप्लीकेशन में बता सकते हैं। एंड वट इज़ योर गोल, कि आ गोल है, आप क्या चाहते हो अपनी स्किन से, लाइक यू के एक्ने प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन है या फिर आपको ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन चाहिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे नहीं करना, आप अपने लैंग्वेज जिससे कंफर्टेबल है वहाँ उसको सेलेक्ट करके आप वहाँ पे लाइव डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ टेक्स्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपने फेस के प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। आप अपने फेस के साइड एंड फ्रंट पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं ताकि वहाँ पे वो लोग एनालाइज कर सके कि आपकी स्किन में जो जो भी प्रॉब्लम है वो रेड सर्कल से आपको मार्क करके दिखाया जाए। एग्जाम्पल आपको पिगमेंटेशन है या फिर एक्ने है, वहाँ पे आपको पूरा लाइव चैट में बताया जाए। डर्मेट आपके फेस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको खुद का ऑन कस्टमाइज किट रेडी करके आपको दे दिया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। बिक बाकी प्रोडक्ट में वो जनरली सब यूनिवर्सल के लिए होता है प्रोडक्ट, बट यहाँ पे आपका ऑन कस्टमाइज किट रेडी करके। हेज माई पर्सनल किट लुक्स लाइक, फर्स्ट आई गॉट दिस डीप क्लिनजिंग फेस वॉश, दिस नरिश एंड रिपेयर क्रीम, एंड थर्ड इज सनस्क्रीन जिसमें है SPF 30 PA++++, इस AMP एडवांस जेल। आफ्टर परचेसिंग योर किट जो आपके लिए डॉक्टर ने एनालाइज किया है, उसके बाद फ्री सेशन एवरी मंथ भी लिया जाता है। आप भूल गए वगैरह हो सकता है तो वो लोग नोटिफाई भी करते हैं। फ्री प्रॉपर कंसल्टेशन भी रखा जाता है। आफ्टर परचेसिंग आप प्रोडक्ट, वो लोग एवरी डे फ्री कंसल्टेशन भी आपको दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे डर्मेटाइट्स आपको रिकमेंड भी करते हैं कि आपका जो डाइट रूटीन है। सो गाइस, ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है एक्सेप्ट द किट। यू यूज माई कूपन कोड, यू विल गेट 100 rupees डिस्काउंट, विच इज 80-100। यू कैन यूज माई कूपन कोड। क्योर स्किन का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो एक्चुअली मैं मीट को थोड़ा ओवर कुक करती हूँ क्योंकि ओवर कुक मीट थोड़ा अच्छा लगता है हम लोग को। तो मैं ऑलमोस्ट 45 या 1 आवर तक अच्छे से बना लेती हूँ। तो ये हमारा जूसी मीट आप देख सकते हो रेडी हो गया। एक्चुअली मेरे से थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी बन गया गलती से, पर देखते हैं बच्चे लोग टॉलरेंस कर पाते हैं कि नहीं है पोर्क का मीट। सो हमारा जो ये फर्स्ट रेसिपी है वो तो कम्प्लीट ही हो गया है गाइस, देख सकते हो। सो नेक्स्ट गाइस, मैं पास्ता बनाने वाली हूँ। मुझे लगा चलो बच्चों को अच्छा लगेगा क्योंकि क्या है मीट और राइस तो डेली बनता है। मैं सोचा था थोड़ा पास्ता नूडल्स ऐसे बनाऊँगी, तो मैंने पहले पास्ता बनाया है।
पास्ता को ज़्यादा कुछ नहीं किया है गाइस, बॉईल किया है ऑयल और नमक डाल के। पैकेट में एक्चुअली 15 मिनट्स लिखा था, बट 15 मिनट्स में ज़्यादा ओवर कुक हो रहा था तो मैंने 10 मिनट तक ही उसे कुक किया है, ड्रेन कर दिया है और थोड़ा गार्लिक चॉप करके डाला है और उसके बाद उसके ऊपर मैं अनियंस डाले हैं। और यहाँ पे आप लोग टोमेटो प्यूरी डाल सकते हैं पर मैंने ये टोमेटो ग्राइंड करके डाला है। और इसमें अपने हिसाब से चिली ऐड कर लेना एंड सॉल्ट टेस्ट। और अच्छा था, काफ़ी टैंगी बना गाइस मेरा, क्योंकि मैंने टमाटो सॉस भी ऐड किया है यहाँ पे, मैंने और भी ऐड किया था लास्ट में। उसके बाद मैंने यहाँ पे पास्ता डाल दिया है बस और लास्ट, हाँ मैंने उस पर ब्लैक पेपर भी डाल दिया ताकि थोड़ा और भी स्पाइस लेवल थोड़ा हीट आ जाए। तो पास्ता ओवरऑल मतलब सिंपल ही बना। और यहाँ पे मैंने दाल का तड़का है, कुछ भी नहीं है, अनियन टमाटो है बस, उसको अच्छे से मतलब फ्राई कर दिया है और उसके बाद दाल के अंदर डाल दिया। ऑब्वियसली बच्चों को दाल तो पसंद आएगा, नहीं तो काफ़ी ड्राई हो जाए। सो गाइस खाना बनाते बनाते मैं थोड़ा थक गई थी, तो मुझे लगा चलो क्यों ना ब्रेक लिया जाए और ख़ुद का बनाया हुआ पोर्क मीट को टेस्ट करा जाए विद दिस राइस, बचा हुआ राइस वो भी। तो चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुकबंग वीडियो होने वाला है गाइस, तो आप लोगों को भूख लग सकता है तो कुछ खाने के लिए पकड़ दीजिए और मुकबंग को एंजॉय करिए। तो अब मैं यहाँ पे उसके मतलब मेरे भाई के फ्रेंड्स के लिए जूस सर्व करने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग आ चुके हैं और हमने पूरा मतलब प्रॉपर प्रे वगैरह कर लिया है, बस अभी अटैक करना बाकी है। मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं लिया बिकॉज दे आर सो लाइक कैमरा कॉशियस और कैमरा शाई, पता नहीं क्या ही वेरी शाई पर्सन यार, व्लॉग ही करने नहीं दिया गाइस। तो या मैंने बस इतना ही किया व्लॉग, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।